दोस्तों, हाय फ्रेंड्स। और आज का जो ट्रिप है महादेव का दरबार, तो बाबा भोले का भंडारी हम लोग वहाँ पर जा रहे हैं उनके घर पर। तो उनका नाम है, जहाँ पर हम लोग जा रहे हैं उनका नाम है गोपी बाबा, जो महादेव के ही रूप हैं। और मैंने देखो, मैंने कहा अच्छा खासा पैकिंग कर लिए हैं, ठीक, अच्छा खासा रख लिए हैं, ठीक है, जो मेरा फेवरेट है वो चीज़ रख लिए हैं। और ये 4 दिन का ट्रिप है, तो दोस्तों आप लोगों को जितना हो सके दिखाने की कोशिश करेंगे। आई होप टू हमारा ट्रिप स्टार्ट हो चुका है और हम अपने चले हैं। देखो, हमें इतना इंटरेस्टेड वहाँ पर जाने के हैं कि हमने बोला कि हमें किसी से भी जाना है, चाहे बैलगाड़ी हो चाहे कोई भी गाड़ी हो, हमको वहाँ पर जाना है। और मैं वहाँ गया भी, और बाहर काफ़ी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा, ट्रैक्टर में काफ़ी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा। पर अब इसमें इसको दिक्कत देखा जाएगा तो आगे का ट्रिप नहीं हो पाएगा। तो दिक्कत बहुत हुआ, आप पूछिए नहीं, बहुत। करीब हमारा जो सफ़र रहा करीब 22 घंटा का रहा, और 14 घंटा जाने में, 14 घंटा आने में, यानी बहुत खतरनाक ट्रिप था। पर बाबा भोले के पास हमने बहुत ठीक ठाक ही पहुँचे, और ये जब जो पहाड़ का अमेजिंग। नज़ारा हमने देखे, बहुत मेरा दिल को पूछो मत, इतना खुश थे कि मतलब कि खुशी के मामले मारे हम इतना को कभी नहीं खुश थे, बहुत अच्छे खुश थे। और मन किया कि यहीं पर कहीं घर उर बना लें, बट मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा। और जो वहाँ पर मंदिर था ना पहाड़ के बीचों बीच, उफ, वो तो देखने में अलग ही कुछ रोमांस रोमांटिक लग रहा था। काश दोबारा जा रहेंगे, और कभी अपना जो यात्रा है कभी छोड़ेंगे नहीं। बाबा का कृपा रहा तो, प्रभु का कृपा रहा तो। और दोस्तों मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को भी आगे इस वीडियो में बहुत कुछ दिखाएंगे, और जो जो मेरे साथ किस किस जगह पर, किस किस पहाड़ पे गया, किस किस चोटी पे गया, किस किस टेंपल में गया, सब दिखाएंगे आप लोगों को। दोस्त, हम लोग पहुंच गए हैं और काफ़ी हालत भी ख़राब हो गया है, बहुत हालत ख़राब हो गया है। अभी तो फ़िलहाल ही 100 किलोमीटर आए हैं और अभी 50 किलोमीटर और जाना है। और यह है हमारा माँ का पहला टेम्पल है, जो इस मंदिर का नाम है तारा चंडी माँ। और मैं जाने के लिए इतना एक्साइटेड था कि मैंने बोला सबको कि मैं कैसे भी जाऊंगा पर जाऊंगा जरूर। तो दोस्तों, हमारा ये ट्रिप तारा माँ से स्टार्ट हुआ है, और ये हमें बहुत एक्साइटेड है इसे देखने के लिए। और आप लोग भी देखिए, ये हमारा मंदिर तारा माँ का द्वार है, और अंदर, और अब इसके सच में इनके मैं बहुत छत खुश पर था, चलते बहुत हैं, जो खुश। ये सब नज़ारा देखकर ओ मन किया कि यार, इधर ही ये कहीं घर देख बना कर ना लें, मन दिल कर रहा है कि बट कूद के बहुत चले अच्छा जाएं। लगता है। बहुत कभी आओ घूमने तीर्थ यात्रा पे, चाहे हमको ऊपर कोई भी चढ़ना है, यात्रा जाओ, हमको मंदिर वैष्णो का ऊपर धाम, चढ़ना है, किधर से चढ़ूं केदारनाथ, यार। कोई भी धाम, इधर तो जाने के बहुत बाद अच्छा रास्ता हो लगता है, एकदम गया। स्वर्ग का आनंद इस साइड आता है ऊपर का रास्ता। है। ये जो 3 धाम है, ये करने में काफ़ी कष्ट का सामना करना पड़ा, और हालत भी बहुत ख़राब हुआ, बट अपने आप को सब कंट्रोल करके चले थे, और अपना सुविधा भी सब लेकर गए थे। ठीक है, तो आप लोग भी जाए तो सारा सुविधा लेकर जाइए, बहुत अच्छा लगता है। ओह माय गॉड, कसम से मुझे आज बहुत बहुत खुशी हो रही है, सब देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यार। आई लव, वाओ, अमेजिंग प्लेस। ओह माय गॉड, मन कर रहा है उसे उड़ के चले जाए। ओ दोस्तों, बहुत अच्छा है। देखो दोस्तों, हम लोग को यहाँ से ही जाना है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक शायद ये पहाड़ी का टूल केक्स है, ठीक है। और मुझे मुझे बहुत बहुत ही अच्छा लग रहा है, मतलब कि शायद मैं इतना बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ ये सब देखकर। मुझे सच में, मुझे यार क्या बोलूँ, एक हद होती है, बहुत बहुत साथ हैप्पी हूँ में इसके हम लिए। लोग अपना DSLR कैमरा भी लेकर गए थे, जो वहाँ का सीन काफ़ी रोमांटिक था, तो ये तो बनता ही है। वाओ, ऊपर माय फेवरेट प्लेस यार, देख के दिल गार्डन गार्डन हो गया। एक बार फिर से बोले, मतलब कि लास्ट में, सबसे लास्ट में जाकर हाँ वहाँ पर ग्रिल टाइप, ग्रिल से घेरल बाटे, हाँ
वही पड़ जाएगा ग्रिल सुन का घेरल बना शंकर जी के शंकर जी ना भस्मासुर का उनके ऊपर में बवा उनके इतना दूर जाके ऊपर में अच्छा तनी मनी आगे जाके ऊपर दोस्तों हम लोग 3.5 घंटे का परिश्रम के बाद हम लोग मंदिर के पास पहुँचे हैं और आप लोग लाइन देख रहे हैं मुनि के मालूम न चल काफ़ी गर्मियाँ थी कि बहुत गर्मी जो बाबा भोले की कृपा से सब ठीक रहा। यहाँ पर विशिंग्स है और यहाँ का विचित्र मतलब कि जो पहाड़ का जो कटिंग था ना सच में लग रहा था जैसे प्लास्टिक का किया गया उसमें कारीगरी बहुत अच्छा लगा बहुत बहुत मैंने बाबा का फोटो लेने का बहुत उसको कोशिश की है बट ऐसा ही फोटो आ पाया बट दर्शन बहुत अच्छा से हुआ और काफ़ी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा दर्शन करने में बहुत पर बहुत अच्छा लगा कुछ भी कह दे। और मुझे ये पहाड़ है जो मुझे बहुत ही ये तो मुझे बहुत भावुक मतलब बहुत अट्रैक्शन लग रहा था और मैं सच में मैं ऊपर से नीचे करते जा रहा था मतलब कि ये 4-5 बार तो जरूर। और भाई हम लोग पहाड़ पे चढ़ रहे हैं ठीक है आप लोगों को खाड़ी दिखा दे रहे हैं ये खाड़ी है देखिए खाड़ी कैसा होता है और चलो चढ़ते हैं चढ़ने बहुत डिफिकल्ट है दोस्त चढ़ना बहुत कठिन है बहुत चढ़ना कठिन है दोस्त लग रहा है जी बट बहुत चढ़ना कठिन है बट अभी थोड़ा मेरा अभी फ़िलहाल अभी हालत मेरा ख़राब है और हालत इसलिए ख़राब है क्योंकि मेरा चीज़ कुछ गुम हो गया है अगर मेरे साथी त्रिपाठी रखे होंगे तो बहुत अच्छा बात है नहीं तो बैड लक और आई एम इंटरेस्टिंग एंड सो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है सच में जितना भी बोलूँ ये देख कर नज़ारा मन कर रहा है घर इधर बना लेख मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और ये आप लोग एक तो और एक बात बता दें ये गुरुवारियों का गाँव भी है ठीक है यहाँ जितने मंदिर में थे वो सब गुरुवारी से रिलेटेड थे और सो नाइस मुझे बहुत अच्छा लगा अभी फिलहाल तो नहीं मैं फाइनली नहीं बता सकता उड़ा दिए पर यहाँ पर लोग कुछ लोग कह रहे थे अब देखिए चल रहे लोग तो हम ही चलते हैं इधर से शॉर्टकट से शॉर्टकट खड़ा चढ़ाइए पसीना छूट गया और थकावट भी हो गया आप लोग एक बड़ा लोग चलो दोस्तों चलो दोस्तों दिखा पता नहीं कितना ऊंचाई पे है हम लोग देखो हम पहाड़ पे काफ़ी वाला पहाड़ थोड़ी सी हल्का सा नीचे है अब ये ट्रैक्टर उस पर चढ़ी है ठीक है और इसका नीचे भी गाड़ी गई है आप लोग देख सकते हैं खाई है और हम लोग इस खाई से दोस्तों ये है सीता कुंड ठीक है ये सीता कुंड है जहाँ पर सीता माँ स्नान करती थी बनवास में और चलो उनका देखते हैं कुंड ये आसी का कुंड वाओ तो चलो दोस्तों हम लोग उस जगह चलते हैं छोटा सा जगह पे वो छोटा जगह वाओ सो लवली मोमेंट यार दिस वाटर इज मोमेंट ये देखो दोस्तों पानी गिर रहा है सो पास में अगर गोपी बाबा के पास नहीं स्नान किए होते यहाँ पर यहाँ स्नान कर नेक्स्ट बार आएंगे तो यहाँ स्नान करेंगे और बहुत ही रोमांटिक जगह है वाओ
दोस्तों आप देख सकते हैं ये सबसे ऊंचा यहाँ का पठार है और इस पर हम लोग आज ग्लाइडिंग कर रहे हैं और आप लोग इसकी गहराई देख सकते हैं कितनी है। शायद गिरने के बाद अगर शायद कोई बचे ना, बट ऊपर पूरी चोटी पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। देख लीजिए कितना पतला रास्ता है, अगर थोड़ी सी भूल तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। तो इसलिए सब कुछ कंट्रोल करते हुए मार्चिंग प्लेस जारी है और रास्ता आप लोग देख सकते हैं कैसा कैसा रास्ता है दोस्तों। और यहाँ पे जो जो अपने लवर्स आए हैं अपने जीएफ को से साथ ले, देखिए अब रास्ता यहाँ कैसा है और यहाँ का दृश्य देखिए कैसा लग रहा है आपको है? ओ माय गॉड, अगर पैराट्रूपर रहता तो इस पे से छलांग लगाना में और मज़ा आता। और आप लोग रास्ता से लेकर चल रहे हैं कैसा है आप लोग बारीकी से दिखा रहे हैं, देखिए सो डेंजरस मैन इसका भी ये चौड़ाई देखिए लड़ाई देखिए। और हम लोग बस कुछ ही देर में सबसे ऊंचे वाली चोटी पर पहुंचेंगे। ओह माय गॉड, आप लोग देख सकते हैं इसे बॉर्डर दिया गया है, इसका उधर नहीं जाना है। और हम लोग चोटी पर पहुंच चुके हैं और देखिए हमारा कैंप जो वहां पर है और पहला ग्राइंडिंग यहाँ पर है। देखिए दोस्तों सो इंटरेस्टिंग प्लेस, देखिए कितने छोटे छोटे लोग दिखाई दे रहे हैं। और ये जाएंगे तो पहाड़ के उस पार हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। आज मैं अपने लिए एक विश मांग ले रहा हूँ, आया हूँ तो किधर लगाऊँ, यहाँ ठीक है ओके 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 दोस्तों चलते हैं अपने नीचे। अब हम नीचे की तरफ प्रस्थान करते हैं और कंट्रोल करके सब चीज़ चलना होगा, माइंड को, दिमाग को और बॉडी को, क्योंकि कितने लोग को ऊंचाई देकर काफ़ी सा घबराहट होता है और आपको इस पर चीज़ पर फोकस नहीं करना है ओके। और अब चलते हैं नीचे ओके 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 ओके। इस पर आपको जितना बैलेंस बना कर चलना है ठीक है, हम लोग क्योंकि बहुत काफ़ी हाईएस्ट एवरेस्ट पे आए हैं ठीक है। और जो रास्ता है काफ़ी डेंजरस है, देख सकते हैं रास्ते को ढाल के जैसे हैं, जो शायद कम दिल वाले इस पे आने के बाद उन्हें हेलीकॉप्टर से उतारना पड़े ठीक है। देख सकते हैं सो बहुत हाईएस्ट पे आए हैं और मुझे इस सब चीज़ पे करना मुझे बहुत अच्छा लगता है और मजाक नहीं है, इसलिए मैं इस पे ज़्यादा इंटरेस्टेड हुआ और सच में मुझे
देखिए दोस्तों कैसा, बहुत अच्छा लगा। जो है झूठा मर्द तारे का वीडियो कॉल दोस्तों। यहाँ से हमारा सफर चालू है और इसमें 306 सीढ़ियाँ चढ़ना है, ठीक है। तो चढ़ने से पहले नमस्कार कर लिया जाए। दोस्तों देखिए बहुत सस्ता, बहुत अच्छा क्वालिटी के फोटो खींचा था ये दीदी। दोस्तों ये गाड़ी आने वाला है रास्ता, ठीक है। इस पर गाड़ी बाइक फोर व्हीलर टू व्हीलर कोई भी आ सकता है। और हमारा हो चुका है हालत खराब, तो हम जरा शॉर्टकट अपनाते हैं। तो चलो शेर भी तो चल रहा है लोग। यह माँ मुंडेश्वरी जी का मंदिर, जय माता दी। Oh,